केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति के सम्मेलन के साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पिछले 3 माह से लगातार केदारनाथ के अंदर चल रहा है। कल बड़ी संख्या में वहां पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा स्वयं वहां रहना होगा और उसके बाद हमारा एक दिन पूर्व सैनिकों का सम्मेलन वहां करने वाले गणेश जोशी जी हमारे वहां उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारा आईटी का भी एक बड़ा वहां पर हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, जिसमें हमारे मनीष खंडूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो उस कार्यक्रम में रहेंगे। अनेकों नेताओं के कार्यक्रम हमने बूथ केंद्रित तय किए हुए हैं, तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जाने वाले हैं या मेरा भी जो कार्यक्रम है, तो प्रत्येक बूथ केंद्रित कार्यक्रम रचना बनी है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि केदारनाथ सीट ये भाजपा की अपनी परंपरागत सीट है और सीट हम जीतेंगे।